एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल क्या हाल है आप सबकी उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आज न्यू ईयर पर स्टार्ट करती हूँ ट्वेंटी थ्री में मैंने अपने चैनल पर कुछ चेंजेस किए हैं जो कि आपको भी दिख रहा होगा और मैंने स्टार्ट किया है कि मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग खुद लूँगी क्योंकि जाहिर है कि हमारे व्यूअर्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं उन्हें खुद दिखूँ और स्टार्टिंग खुद लूँ तो और कोशिश करूंगी कि अब मैं डे बाय डे आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँ और तो चलिए चलते आपके साथ न्यू ईयर की कुछ क्लिप शेयर करते हैं अच्छा ये वहाँ के क्लिप है जहाँ पे हम लोग गए थे हालाँकि हम लोग न्यू ईयर नहीं मनाते लेकिन अब इन्विटेशन हमें आया था तो यहाँ पर हम लोग गए थे इनके पास बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज की हुई थी बहुत सारी वैरायटी थी खाने पीने की केक बहुत सारे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड तो मैंने बहुत सारे यहाँ के किए हैं फंक्शन लेकिन न, ये जो न्यू ईयर का कभी भी नहीं किया फर्स्ट टाइम किया और स्पेशली ये ब्रेड बहुत बहुत टेस्टी थे और जितने भी इसको खूबसूरत थे ना खाने में भी, भी बहुत अच्छे थे इनके पास चॉकलेट फ्लेवर के भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने अरेंज की हुई थी जो कि बहुत टेस्टी थे कैंडीज बच्चों की थी और सारी जो है ना इन्होंने ये मार्बल केक था और सारी इनकी होममेड थी और मार्बल केक भी बहुत अच्छा टाइम का था और ये चॉकलेट चॉकलेट कोटिंग का इनके पास था आई थिंक वो भी अच्छा था और अब बस यहाँ की क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की अब मैं आ गई थी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है अब मैं किचन की अपनी रूटीन शेयर करूँगी आपसे और यहाँ पर मैंने ना कुछ मेरे मसाले ख़त्म हुए थे जो कि मैंने फिलिंग करनी थी और यहाँ पर ना मेरे स्पाइसेस सारे के सारे हो गए थे फिनिश तो मैंने सोचा मैं आज सुबह मॉर्निंग में ये फिलिंग कर लेती हूँ फिल कर लेती हूँ क्योंकि ना बात सारी ये हो जाती है कि हम ना काम बस हमारा डिले होता रहता है आजकल का डे इतना छोटा हो गया है तो इसलिए हमें काम ही नहीं हो पाता हमारा तो ये मॉर्निंग में बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद ये काम कर लिया था और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्पाइसेस जार जो कि सारे एक जैसे हैं थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं और और आपको आज बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगी जहाँ पर मैं अपने स्पाइसेस रखती हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट है जिसमें हम अपने मैं अपने सारे मसाले स्पाइसेस के जार्स रखती हूँ और वो मैंने किस तरह से अरेंज किया है आपको दिखाऊंगी और ये देखें ये मैंने क्लीन कर लिया था ही। वैसे ये साफ था ही लेकिन मैंने सोचा कि मैं जब रख रही हूँ तो इसे क्लीन करके रखती हूँ अच्छा यहाँ पर मैंने डिवाइडर लगा के रखा है जिससे क्या होता है हमारे पास बहुत सारा स्पेस मिल जाता है मैंने सारे कैबिनेट्स में डिवाइडर लगाया हुआ है आप ये डिवाइडर ऑनलाइन भी ले सकते हैं साथ ही आपको लोकल शॉप पे भी मिल जाएगा तो जी यहाँ पर ना हमारे सारे स्पाइसेस के जार बहुत इजीली अच्छी तरह से आ जाते हैं आप देख सकते हो और आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आपके पास कैप क्याप, वगैरह सब छोटे हैं तो आप डिवाइडेड लगा लगा कर अपना जो है ना यूज़फुल और भी जगह आपको यूज़फुल कर सकते हो अपनी जगह को तो बस यहाँ पर ये देखें मैंने सारे स्पाइस जार को इस तरह से रख दिया था और ये देखें ये हमारा है इस्पाइस का पूरा जो है ना कलेक्शन तो यहाँ पर अब अच्छा मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगी ये मैंने मंगाई थी पिजन की केटल पहले तो मुझे लगा था ये इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन आ, मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था और ये आ भी गई तो ये इसकी मुझे ये इतनी ज्यादा पसंद आई आने के बाद क्योंकि इसमें ना पानी बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में गर्म हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से गर्म होता है तो आप लोग भी इससे ले सकते हैं और इस पर आजकल ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ नाइन नाइन का है ये कैटल तो आप लोग इसे मंगा सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो अमेजोन पर अवेलेबल है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है पूरी ग्लास की है और मतलब मुझे बहुत पसंद आई तो पर्सनली बताऊँ मुझे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती जो चीज़ें मुझे पसंद आती वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो बस यहाँ पर जगह मैंने खाली कर दी थी और यहाँ पर इसलिए कि अब यहाँ पर कैटल रखूँगी अब साथ ही ना आ जाते कुकिंग की तरफ जो कि हमारा रोज़ का काम है तो यहाँ पे मैंने पालक को साफ कर लिया था आज सोच रही हूँ मैं बनाऊँ पालक पनीर क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने नहीं बनाई तो आज मैं यही बनाऊँगी और साथ ही आपके साथ आज शेयर करूँगी अपल पाई की रेस, रेसिपी क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा ना कि हमारे यहाँ जो है विंटर्स हैं और खाने जो है ना बच्चे घर हैं छुट्टियाँ चल रही हैं तो खाने बहुत बन रहे हैं तो इसी तरह से पर रेसिपी नहीं बन पा रही उसकी वजह यह है कि हमें रेसिपी के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए सुकून चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है बच्चों की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर मैंने पनीर को कट कर लिया था और पनीर पालक दोनों ही बहुत हेल्दी है तो ज़रूर बनाया करें और वीक में एक दिन तो लाजमी बनाएं मैं वीक में एक दिन ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी आइस के लिए हेयर के लिए और आप बनाएं तो बच्चों को भी पसंद आएगा अब चलते हैं अपनी पा, एप्पल पाई की तरफ बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पर दूध लिया है साथ ही ऐड कर दिया है एग अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है ना आप जो है चीज़ों को मेजरिंग भी बताया करें तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर देती हूँ वैसे इस चैनल पे ना मैं कुकिंग रेसिपीज़ कम डालती हूँ वो रेसिपीज डालती हूँ जो कि रेगुलर बनती हैं जो स्पेशल कुकिंग में बनाती हूँ वो मेरे कुकिंग चैनल पर होती है आप वहाँ पर विजिट कर लिया करें से हमारे किचन पर वहाँ पर आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपकी चॉइस की और सारे डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मैं आ, मेंशन कर देती हूँ और मेजरिंग और बाकी चीज़ें सब कुछ तो यहाँ पर सिंपल सा ऐपल पाई बना रही थी जिसमें दूध एग ये ऐड कर दिया वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और इसे आप वीट में भी बना सकते हैं साथ ही मैदे में भी बना सकते हैं साथ ही ओट्स में भी बना सकते हैं अच्छा मैंने ओट्स में कभी ट्राई नहीं किया था लेकिन मैंने एक दफ़ा ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि हमारे पास अच्छा ऑप्शन है बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आटे को रख लिया था और दो कप मैंने आटा लिया है इतना ही बनाती हूँ मैं एप्पल पाई या फिर ब्रेड की रेसिपी या ये इस तरह की जो रेसिपी होती मैं इतना ही बनाती हूँ कि हमारे एक मतलब एक वक्त में ही वो ख़त्म हो जाए क्योंकि वो नेक्स्ट डे हार्ड हो जाता है खाने मुझे नहीं समझ में आता उसे खाना आप कितना भी उसे गर्म कर लें पर वो टेस्ट नहीं आता तो बस यहाँ पे मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में और ये देखें ये सारा कुछ मैंने करने के बाद अब रख देना है अच्छा मैंने इसे ना पैन में बनाया है आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है तो यहाँ पर ये यह पैन में अच्छी तरह से बेक भी हो जाता है और यहाँ पर ये यह एप्पल पाई बहुत सॉफ्ट सी बनती है थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इसे कट कट कर लिया था साथ ही इस पर स्प्रिंकल कर, कर दिया था शुगर आप इसे टी के साथ खाएँ साथ ही आप कॉफ़ी के साथ खाएँ बहुत मज़े की रेसिपी है और यहाँ पर हमजा को प्रोजेक्ट मिला था ये आर्ट का जो कि बहुत सारा मिला था तो मैं उसकी हेल्प करी थी अच्छा यहाँ पर ना एलमुनियम फॉल से इसे आर्ट बनाने करवानी थी तो मैंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ अच्छा बच्चों की आप हेल्प करते तो उनका काम थोड़ा इजी हो जाता है नहीं तो वो अकेले परेशान हुआ करते हैं तो बहुत खूबसूरत सा ये एक ड्राइंग था तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं थी मतलब हमें क्राफ्ट वर्क वगैरह तो हमें मिलता था लेकिन इस तरह का नहीं मिलता था एलमिनियम फॉइल का या फिर इस तरह का आप लोग भी मुझे बताइएगा और ये स्ट्रॉ पेंटिंग इसमें करनी है आप मैं आपको दिखाऊं ये जो अभी दिखाया मैंने आपको इसमें स्ट्रॉ से ही पेंट, पेंटिंग करनी है मैंने कभी की नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने ट्राई मारा तो वो बहुत अच्छी हो गई तो मैंने हमज़ा से कहा कि हम सीखते सीखते ही सीखते हैं बच्चों की हेल्प क्या करें उन्हें मोटिवेट क्या करें और उन्हें डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना करें कि तुम नहीं कर सकते नहीं हम कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हम तो यहाँ पर पे स्ट्रॉ पेंटिंग ये मैंने कर ली थी और ये है एल्यूमिनियम फॉल की ड्रॉइंग जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे बहुत पसंद आई तो बच्चों को बस थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं उन्हें सीखने में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए और उन्हें थोड़ा बताना चाहिए तो बस यहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स उनकी हेल्प नहीं करते ट्यूशन के भरोसे छोड़ देते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें आपके बच्चे बहुत ज्यादा कीमती हैं उन्हें खुद का टाइम दें उन्हें साथ रखें तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा टेक केयर अला